हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी की सब्ज़ी। तो ये जो कमल ककड़ी है, इसको मैंने छील लिया है और अब इसके हम छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके मैंने ऐसे पीस कर लिए हैं। अब इसको ना कुकर में 2 सीटी तक इसको बॉईल कर लेते हैं। देखिए, ये मैं कुकर में डाल रही हूँ। इसमें डालूँगी पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, और साथ में थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। उससे क्या होगा, जो उसके अंदर की जो भी गंदगी होगी या जो भी होगा, वो सब साफ़ हो जाएगा, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और इसको अब हम रख देते हैं कुकर गैस पे, रख देते हैं और इसको 2 सीटी लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है, अब इसमें 2 सीटी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे तेल। तेल को होने देते हैं गरम। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए बारीक प्याज, साथ में डालेंगे 3 हरी मिर्ची। और प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये हल्के पिंक नहीं हो जाते। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, थोड़ा सा ही लिया मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं प्याज के साथ। और साथ ही इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज अब ज़्यादा गले नहीं। और अब इसमें डाल देते हैं मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। दो चम्मच धनिया पाउडर डाला है। 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर। और साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा। अब इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटो, जो हमने बारीक घिस के लिए टमाटो, और अब इसको मिक्स होने पकने देते हैं। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना तेल ना छोड़ दें। तो फ्रेंड देखिए, मसाला हमारा आधा भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच दही। दही मैंने फैट के लिया, 2 चम्मच डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो खट्टा हो जाएगा। 2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इसको तब तक भूनना है जब तक ये दही भी अच्छे से सब मसाले में मिक्स होके ना ऑयल छोड़ दें, तब तक इसको अच्छे से भून लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मसाला भून चुका है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले में। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने कमल ककड़ी को बॉईल किया था, वो इसे हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको मिक्स करके ना सिम पे रख देते हैं ताकि अपना कमल ककड़ी जो है मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें मैं डाल देती थोड़ा सा पानी। अब इसको ना अच्छे से पकने दें सिम गैस। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जी हमारी बन चुकी है। देखिए मैंने इसमें ज़्यादा रसा नहीं किया है, बस लटपटी सी रखी है। और अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको आज की ये रेसिपी? लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ये मेरा तरीका है। देखिए अगर आपको पसंद आया तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।